आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, उसका अगर मेन क्रक्स देखिएगा तो वो है वी कॉल दीज पीपल लीडर्स। और यू कैन से एक क्वेश्चन अगर पूछें इसमें तो ऐसा पूछा जा सकता है, किसे हम लीडर कहें, उसमें क्या क्वालिटी होता है जिसके आधार पे कि उसे हम लीडर कहते हैं। वन पॉइंट। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं, चैप्टर हमारा 13 है और चैप्टर का जो नाम है वो है, आरती जी चैप्टर का नाम क्या है? पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप पर प्रेशर लीजिए, ये इस चैप्टर का नाम है। चलिए, उसके नीचे में एक थॉमस एडिसन का एक स्टेटमेंट है, क्या किसी ने पढ़ा है इसको? जी बताइए तो आरती जी इसका। इसमें जो थॉमस एडिसन वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है सक्सेसफुल बनने के लिए, वो रिक्वायरमेंट है आपका एबिलिटी। और वो एबिलिटी कैसा? अप्लाई करने का एबिलिटी, किस पे? फिजिकली और मेंटल एनर्जी को अप्लाई करने का, वो एक प्रॉब्लम को मतलब लगातार बिना किस रुके हुए, मतलब यस आप यस, बहुत सुंदर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं वैसे वो मतलब फिर से दोहरा देते हैं। ठीक है, पहला जो हेडिंग है पुट द प्रेशर, जो प्रेशर है उसको अपने आप पे डालना है, पहला चीज। दूसरा कह रहा है, थॉमस एडिसन का स्टेटमेंट है, फर्स्ट रिक्विजिट, रिक्विजिट का मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता। द फर्स्ट रिक्विजिट फॉर सक्सेस, सक्सेस होने के लिए जो पहली आवश्यकता है वह है एबिलिटी टू अप्लाई योर फिजिकल एंड मेंटल एनर्जीज, आपका फिजिकल और मेंटल जो एनर्जी है उसको अप्लाई करने का जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, टू वन प्रॉब्लम, एक खास पार्टिकुलर प्रॉब्लम पे जिस पे कि आप काम कर रहे हैं उस पे, इनसेसेंटली का मतलब होता है लगातार, एंड विदाउट ग्रोइंग वियरिंग मतलब बिना किसी उतावलेपन का, बिना किसी बाधा का, लगातार जब आप किसी एक प्रॉब्लम पे अपने मेंटल और फिजिकल एनर्जी को उस प्रॉब्लम पे लगाए रहते हैं, उस प्रॉब्लम पे आप लगे रहते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो ये चीज़ जो है आपका पहला शर्त है सक्सेस होने का। ये थॉमस एडिसन, जानते हैं ना थॉमस एडिसन के बारे में, बल्ब का जो आविष्कार किया, यही है ना? और आप जानते हैं कितना एक्सपेरिमेंट किए थे तब सफलता मिला था, है ना? ये तो पता है, तारे जमी पे जो बच्चा से पूछता है, याद आ रहा है वो सीन, कौन है इसका आविष्कारक, तो वो बोलता है एडिशन, बोलता है ना बच्चा, तो वही यहाँ से लिंक करने की कोशिश किया है यहाँ पे। चलिए, पहला पैराग्राफ में आप लोगों को कोई दिक्कत समझ में आया क्या है? पूजा जी नहीं पढ़ी हैं आप, आरती जी? जी इसमें तो पहला मतलब मुझे जहां तक समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि तो यहाँ पे है कि काइंड ऑफ पीपल लगाया है, दे विश दे कुड बी। तो इसमें मुझे जो समझ में आया कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेट करते हैं कि दूसरे लोग आएंगे उनके साथ, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, उससे मोटिवेट करेंगे। यस, और तो उसमें बस लास्ट में बस यही कहा कि उसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा कि यही एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि कोई जो है मतलब आएगा नहीं आपको रेस्क्यू करने के लिए, मतलब हाँ, ये सॉल्यूशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो पहला पैराग्राफ में क्या कहता है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर समवन टू कम अलोंग एंड मोटिवेट देम टू बी द काइंड ऑफ पीपल दे विश दे कुड बी। कहता है वह जो होना चाहता है, जैसा वो होना चाहता है वैसा बनने के लिए उसके पास लोग आएंगे जो उनके साथ होंगे, जो उनको मोटिवेट करेंगे और कहेंगे कि तुम ये बन सकते हो, जो तुम बनना चाहते हो वो तुम बन सकते हो, प्रयास करो। ऐसा सोचने वाला जो लोग है इस वर्ल्ड में, ऐसे लोगों से भरा हुआ है ये दुनिया, है ना? ऐसे लोगों से भरा हुआ है दुनिया
जो ये इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा, वो हमारे साथ होगा, हमें मोटिवेट करेगा, वो चीज़ बनने में मदद करेगा जो मैं बनना चाहता हूँ। देखिए सिंपल, कितना बड़ी बात बोला है यहाँ पे। बनना मैं चाहता हूँ, वो आएगा, मुझे मोटिवेट करेगा कि जो तुम बनना चाहते हो उस बनने में वो मदद करेगा, मोटिवेट करेगा, मुझे रेगुलेट करेगा, मुझे चैनलाइज करेगा, है ना। और उस व्यक्ति जो ऐसा करेगा उसके जीवन में आ करके उसका इंतजार कर रहा है कि वो आएगा और हमारे जीवन में ऐसा करेगा। द प्रॉब्लम इज दैट नो वन इज कमिंग टू द रेस्क्यू। समस्या यही है कि आपको, आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो कि आपको इस तरह से मोटिवेट करेगा, आपको रेस्क्यू करेगा। आप जिस तरह से परे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार की घड़ी आपका समाप्त करेगा, मतलब आपको उस इंतज़ार के दौर से बचा करके बाहर निकालेगा, ऐसा कोई नहीं होगा। यही समस्या है कि आप ये सोच के बैठे हो कि कोई आएगा और वो आपको इस दौर से बाहर निकालेगा, यही समस्या है। क्लियर हुआ ये दो चीज़? इस पैराग्राफ में यही दो चीज़ कह रहा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है, दीज पीपल आर वेटिंग फॉर ए बस ऑन ए स्ट्रीट वेयर नो बसेस पासेस। कहता है ये लोग उस स्ट्रीट में बस का इंतजार कर रहा है, उस रोड पे बस का इंतजार कर रहा है। मतलब क्या? वो बस आएगा जो बस हमको यहाँ से निकाल के ले जाएगा, है ना। वो व्यक्ति हमारे जीवन में आएंगे और वो हमें मोटिवेट करके हमें बाहर निकालेंगे। उसी का एक सिंबॉलिक मीनिंग ये बता रहा है कि एक बस आएगी और वो बस हमको यहाँ से निकाल के ले जाएगी। कहता है कि आप जिस बस का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस स्ट्रीट पे, जिस सड़क पे, उस स्ट्रीट और सड़क पे कोई बस आती ही नहीं है। मतलब कितना सुंदर उदाहरण देके बताया है ये कि आप जिस उम्मीद में हैं कि कोई आएंगे और आपको रेस्क्यू करेंगे, कोई आएंगे आपको मोटिवेट करेंगे, कोई आएंगे आपका इंतज़ार ख़त्म करेंगे, वैसा होता ही नहीं है। जैसे कि किसी रोड पे आप बस का इंतज़ार तो कर रहे हैं लेकिन उस रोड से कोई बस गुजरती ही नहीं है। क्लियर भाई? यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। इफ़ दे डोंट टेक चार्ज ऑफ देयर लाइव्स एंड पुट द प्रेशर ऑन देम सेल्व्स दे कैन इंड अप वेटिंग फॉर एवर। देखो कितना सुंदर बोलता है। कहता है कि अगर वह खुद अपने जीवन का चार्ज नहीं लेगा, अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, याद आ रहा है प्रोएक्टिव पीपल में सेवन हैबिट्स में हमने बताया था कि प्रोएक्टिव पीपल वो होता है जो खुद अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो कहता है अगर आप अपने जीवन का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, चार्ज नहीं ले रहे हैं, और चार्ज ले करके खुद आप अपने आप पे प्रेशर नहीं दे रहे हैं, जब आप चार्ज लेते हो कि हमको ये करना है, मेरा काम है, मैं ये काम करूँगा या करूँगी, तो आप उस पे प्रेशर लेते हो। याद रखिएगा, जैसे ही आप कोई काम करना चाहेंगे या चाहेंगी और उस काम पे आप एक्शन लेने के लिए चलेंगे, प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक्शन लेंगे, इसका मतलब आप पे प्रेशर आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना चार्ज भी न लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी न लें, आप प्रेशर भी न लें, तो आपका पूरा जीवन इंतज़ार करते करते बीत जाएगा। यही बहुत सुंदर लाइन ये बोला है, दे कैन इंड अप वेटिंग फॉर एवर। वो अपने पूरे जीवन को इंतज़ार करते करते बिता देगा और उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। एंड दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल डू। और सच्चाई ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कर रहे हैं इस दुनिया में, वो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कोई आएंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, हमारे जीवन में हमें इस इंतज़ार से निकालेंगे बाहर, कोई हमारे हमें रेगुलेट करेगा, कोई हमें प्रेशराइज करेगा और उसके बताए हुए काम के अनुसार हम काम करेंगे और फिर हम अपने मंजिल की ओर जाएंगे। प्रॉब्लम यही है, ज़्यादातर लोग इसी दौर में फंसा हुआ है। ये दो लाइन, दो पैराग्राफ में समझ में आ गया। जो थर्ड पैराग्राफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? ओनली अबाउट 2% ऑफ पीपल, पूरे संसार के जितने भी लोग हैं उसमें सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं वर्क इंटायरली विदाउट सुपरविजन।
वो अपनी अपने काम सारा काम को कंप्लीट करता है विदाउट एनी सुपरविजन। याद रखिएगा, बचपन से लेकर के बुजुर्ग होने तक हमेशा आदमी को लगता है कि कोई हमें सुपरवाइज करे, ठीक है, किसी के अंडर में काम करना चाहता है। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता नहीं होता उसमें, स्वतंत्र रूप से प्लानिंग बनाने की क्षमता नहीं होता है, स्ट्रेटेजी बनाने का प्लानिंग होता है, इवेन स्वतंत्र रूप से उनका कोई गोल ही नहीं होता है, मिशन ही नहीं होता है। तो कहता है पूरे वर्ल्ड का 2% ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरे जीवन का इंटायरली काम करता है विदाउट एनी सुपरविजन, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के सुपरविजन में, बिना किसी के गाइडेंस में। मतलब एक होता है ना कि खुद से मोटिवेट होकर के, खुद से प्रेशर लेकर के, खुद के लक्ष्य के प्रति अपने आप को काम करते हुए आगे जाना, ऐसे व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2% ही है, ओनली 2%, यही यहाँ पे कह रहा है। वी कॉल दीज पीपल लीडर्स, और जो ऐसे व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्ति को ही लीडर कहा जाता है। लीडर मतलब क्या होता है? जो स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पहला स्वयं का अपना एक गोल और अपना एक मिशन डिसाइड करता है, दूसरा और उस गोल और मिशन तक जाने के लिए स्वयं एक प्लान और स्ट्रेटेजी बनाता है, तीसरा और उसको एग्जीक्यूशन में लाता है, उस पे काम करता है विदाउट किसी के सुपरविजन में, स्वयं अपने दिमाग से सोचता है, अपना जो फिजिकल और मेंटल एनर्जी है इन दोनों को उसमें लगाता है, और साथ ही साथ जो अन एनर्जी मैंने बताया था उनको भी इसमें लगाता है। अन एनर्जी क्या क्या है? जो आपका इमोशनल एनर्जी है और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, इस दो एनर्जी को भी उसमें जोड़ता है। मतलब अपने सारे एनर्जी को अपने गोल और मिशन को प्राप्त करने में वो लगाता है विदाउट एनी सुपरविजन, बिना किसी के सुपरविजन के। ऐसे लोगों को ही लीडर कहा जाता है, ये इसका क्रक्स है, इसका जान है, इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे पेज का, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन यू आर मीन्ट टू बी, ऐसे लोग, इस तरह के कैटेगरी के लोग बनना है आपको, मीन्ट टू बी ऐसा बनना है आपको, एंड दैट यू कैन बी इफ यू डिसाइड टू बी, आप तभी बन सकते हो अगर आपने डिसाइड किया कि बनना है। ये बात कहाँ पे ये कह रहा है कि आपको ऐसे लोग बनने हैं, इस कैटेगरी के लोग, ऐसे लीडर वाले क्वालिटी वाले व्यक्ति आपको बनना है, और ये आप तभी बनेंगे, बन सकते हैं जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको बनना है। ये इस लाइन का कहना का क्रक्स है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लीडर बनना है तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको प्रोएक्टिव बनना होगा। प्रोएक्टिव वो होता है जो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेता है, और जब वो लेता है तो उसके जीवन में जो गोल होता है, मिशन होता है, उस गोल और मिशन पे जाने के लिए, उस गोल और मिशन को प्राप्त करने के लिए उनके पास एक प्लानिंग होता है, एक स्ट्रेटेजी होता है, उसको फिर एग्जीक्यूट करता है, और उसके लिए सारा जो एनर्जी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारे एनर्जी को उसमें एक जगह फोकस कर देता है, तभी वो लीडर होता है। मतलब वो किसी के सुपरविजन में काम नहीं करता है, वो अपने आप सोच सोच करके काम को करते जाता है, करते जाता है, और अपने जीवन में अपने गोल और मिशन को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को ही लीडर कहा जाता है। टू रिच योर फुल पोटेंशियल यू मस्ट फॉर्म द हैबिट ऑफ पुटिंग द प्रेशर ऑन योर सेल्फ एंड नॉट वेटिंग फॉर समवन एल्स टू कम अलोंग एंड डू इट फॉर यू। कहता है अगर आप अपना जो फुल पोटेंशियल है, याद आ रहा है मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड पोटेंशियल्स, हाँ, तो ये कहता है कि आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, उस पूरे पोटेंशियल को अगर आप यूज करना चाहते हैं, या उस पूरे पोटेंशियल को प्राप्त करना चाहते हैं, टू रिच योर फुल पोटेंशियल, आप अपनी, और एक बात और याद रखिएगा, जितना आपके अंदर पोटेंशियल हो, आप सोच सकते हो कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, उससे ज्यादा आपके पास पोटेंशियल है,
एक तो एबिलिटी है, फिर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल भी उतना है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, उतना आपके पास पोटेंशियल है। तो यही कह रहा है टू रीच योर फुल पोटेंशियल, अपने फुल पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए यू मस्ट फॉर्म द हैबिट ऑफ पुटिंग द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। आपको अपने पर प्रेशर लेने का हैबिट डालना चाहिए। याद रखिएगा, सफलता का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है हैबिट। हैबिट को आपको डेवलप करना होगा, वो सारे हैबिट डेवलप करने होंगे जिससे सफल होते हैं। और सफलता प्राप्त करने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट हैबिट है, उसमें से एक जो हैबिट है वो है प्रेशर लेना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग प्रेशर से भागते हैं। जहाँ मैम और सर कुछ काम देते हैं कि हमको लगता है प्रेशर है, नया है, अभी तक तो किसी ने कोई किया नहीं है, हम ही को पहली बार करना पड़ेगा, तो वहाँ से हम भागते हैं। या ऐसे लोग को ढूंढते हैं जो वो काम करते हैं और उनके पास जाते हैं, मुझे बोलते हैं जरा गाइड करो यार कैसे किए हो, मतलब स्वयं से हम इनिशिएट नहीं लेना चाहते हैं उस पर, तो हम प्रेशर से भागते हैं। तो कहता है कि अगर आप सक्सेसफुल पीपल बनना चाहते हो तो आप ये हैबिट बनाओ कि आप प्रेशर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट फॉर्म द हैबिट ऑफ पुटिंग द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। समझिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रेशर से भागना नहीं है जीवन में, प्रेशर लेना है, आगे बढ़ के प्रेशर लेना है। पुटिंग द प्रेशर ऑन योर सेल्फ एंड नॉट वेटिंग फॉर समवन एल्स टू कम अलोंग एंड डू इट फॉर यू। और न हमें इंतजार करना चाहिए कि कोई व्यक्ति आएगा, हमको साथ देगा और हमको रेगुलेट करेगा, हमारे लिए कुछ गाइड करेगा या हमारे बदले में कोई काम करेगा। ऐसा हमको इंतजार नहीं करना चाहिए, मतलब हमारा हैबिट होना चाहिए। याद रखिएगा, सफलता के लिए जो हैबिट होनी चाहिए वो होना चाहिए कि प्रेशर लेने का आदत हमारे पास होना चाहिए, प्रेशर लेने का हैबिट होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। सफल व्यक्ति सफल इसलिए होता है क्योंकि उसमें सफलता वाली हैबिट होते हैं, और कई हैबिट होते हैं जो सफलता तक ले जाते हैं, उसमें एक हैबिट जो है वो ये है कि हम प्रेशर लेते हैं। प्रेशर लेने का हैबिट होना चाहिए हमको, प्रेशर से भागना नहीं चाहिए। कुछ भी जीवन में प्रेशर आ जाए तो अलबलाना नहीं चाहिए, होबाप नहीं करना चाहिए, माय गॉड अब क्या करेंगे ये नहीं करना चाहिए, शांत चित्त होकर के उसके बारे में विचार करना चाहिए। जैसे ही प्रेशर आता है, और उस समय प्रेशर आया और आपने आप को कूल रख लिए, शांत रख लिए, उसके कुछ मिनट के बाद ही आपका ब्रेन उस प्रेशर के बारे में पूरा स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर देगा कि कैसे इस प्रेशर को डील करें। और अगर आपने कूल नहीं रखा उस समय में तो आपका ब्रेन और परेशान हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है, कभी भी प्रेशर से घबराना नहीं चाहिए। बस प्रेशर जैसे ही आए वहाँ अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। जैसे ही आपने शांत किया कि तुरंत कुछ देर के बाद ही आपका ब्रेन उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा कि इसको कैसे डील करें। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म ऑफ आवर ब्रेन, कि हमारा ब्रेन अपने आप सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है बस थोड़ा सा के लिए। जैसे ही प्रेशर आता है वहाँ पे अपने आप को कूल रखना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट चूज योर ओन फ्रॉग एंड देन मेक योर सेल्फ ईट देम इन देयर ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। कहता है यू मस्ट चूज योर ओन फ्रॉग। फ्रॉग समझते हैं, फ्रॉग क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसमें से उसको फ्रॉग कहा गया है। ऐसे काम जिसको करें या ना करने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, करते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, नहीं करेंगे उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो आपको ऐसे काम जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, करना और ना करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे काम को यहाँ पे फ्रॉग कहा गया है। ऐसे काम को बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम कहा गया है। तो कहता है यू मस्ट चूज योर ओन इम्पॉर्टेंट वर्क एंड देन मेक योर सेल्फ। और अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को उस लायक बनाना है ईट देम, ताकि हम उस काम को ख़त्म कर सकें। और कैसे ख़त्म कर सकें, बहुत ही क्विकली कर सकें, बहुत ही वेल तरीके से कर सकें। तो ईट देम मतलब उसको ख़त्म कर सकें इन देयर ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, जिस इम्पॉर्टेंस में वो काम है। जो तीन चार काम मैंने बताया था कि मिनिमम तीन काम आपके पास इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए, उस काम को उसके इम्पॉर्टेंस के क्रोनोलॉजी में रखते हुए उस काम को आपको करना चाहिए। तो आपने इस पूरे पेज में क्या देखा कि आपको सिंपल किसी का इंतज़ार नहीं करना है, आपको प्रोएक्टिव बनना है। पहली बात, जो प्रॉब्लम होता है उस पर लगातार लगे रहना है, अपना मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी को लगाए रहना है, जो थॉमस एडिसन का स्टेटमेंट है।
दूसरी बात। तीसरी बात कह रहा है कि आपको अपने जीवन का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। इट मीन्स यू शुड बी ए पर्सन ऑफ प्रोएक्टिव पर्संस। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। कहते हैं कि अगर आप प्रोएक्टिव व्यक्ति हैं और अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आपको किसी के सुपरविजन की जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति होना चाहिए। इट मीन्स दिस इज द हैबिट ऑफ लीडर्स। मतलब जो लीडरशिप का क्वालिटी होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी यही है कि वो किसी के सुपरविजन में काम नहीं करता, वो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वह खुद की जिम्मेदारी लेता है, अपने सफलता और असफलता का खुद का जिम्मेदारी लेकर के उसके अनुसार से काम करता है। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। और उसके बाद बोलता है कि आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, आप उन सारे पोटेंशियल को यूज करने के लिए आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा कि आप प्रेशर लेने का हैबिट डालो अपने आप पे कि हमको प्रेशर लेना है। प्रेशर जब लोगे तभी आप अपने दिमाग को काम दोगे, आपका दिमाग उस पर काम करेगा, आपका दिमाग उसके बारे में सोचेगा, प्लानिंग बनाएगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेशर लेने के लिए आगे बढ़ो, भागो मत प्रेशर लेने से। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया। ये जो है अल्टीमेटली इस पेज पे यही कहना चाह रहा है कि आपको लीडर बनना है, ठीक है। और अगर आप सेवन हैबिट्स के बुक को मिला दें तो इसका मतलब होता है कि सेवन हैबिट्स और इस ईट द फ्रॉग दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू बी ए लीडर देन यू हैव टू डेवलप ए हैबिट ऑफ proactive people's habit. And the proactive people's, who are the proactive? Who take their own responsibility. जो खुद का responsibility लेता है। और जब आप खुद का responsibility लोगे तब आपको pressure भी लेना पड़ेगा। और आप प्रेशर लेने का जब आप habit develop कर लोगे तो आपके अंदर जितने भी potentials हैं उन सारे potential को अच्छी तरह से use करोगे। Pressure लोगे, pressure आएगा, अपने आप को कूल रखेंगे, शांत रखेंगे, आपके अंदर जितने भी एबिलिटी एंड पोटेंशियल है, जितने भी इनर्जीज हैं सारे को यूज करने के लिए आपका माइंड तैयार हो जाएगा। और आप फिर अपने गोल और मिशन और आपका जीवन का जो उद्देश्य है उसके अनुसार जीवन को ढालेंगे, सफल होंगे, सक्सेसफुल पीपल बनेंगे। तो ये यही कहता है कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल पीपल बनना है, अगर आपको अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना है तो आपको लीडर बनना चाहिए। और लीडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, आप प्रोएक्टिव पीपल बने। जब आप प्रोएक्टिव पीपल बनेंगे तो आपको खुद का प्रेशर लेना पड़ेगा। और जब आप खुद का प्रेशर लेंगे तो आपके अंदर जितने भी पोटेंशियल है उन सारे को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज करेंगे। तो ये आपको हैबिट बनाना पड़ेगा कि खुद का प्रेशर लेना है, प्रेशर लेने का हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। यही इस पूरे पेज में क्रक्स यही है। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अगर आप खुद पे प्रेशर लेने की क्षमता रखते हैं तो आप लीडर बनेंगे। यही यहाँ पे पूरे चैप्टर में कहा गया है।